अम्मा मैं को दाथोन मैं क्या का कुत्ता है ते भम जेरा को जों जे, तोडा है मैं तो की गाली नहीं कर सकदी बधा बेटा या को जे मेरी गाल सुन को पहले आखे दे। आ के हमे साथ जे देवा कह ना आवे त बिल्कुल गेट नहीं खोलना को अंदर नहीं आने होना ओके मेरे दर्द पे आराम तो गाव करेंगे ना आराम ना गाव करे है ना आराम आ जा बस ही उन्होंने नैना को ओ पिछले महीने त मैं एक वादा राहे के को माफी मांगेले हूं वीडियो बड़ा गियो होना सारे घर ना आवे होना दिखाओ क्या करेंगे ओ तो छड़ी मेरी मां को मिलाने रही ना

अल्लाह के सब वह लाला मैं एकदम ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो जो जो बातें आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो में देखा होगा आप लोग अगर जो मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं उन लोगों को मैं हमेशा से ये बात कहती थी कि नजमा और दिलवर है जो हर एक चीज़ उसकी लीक करते हैं हर एक चीज़ इनके पास होती है हर एक चीज़ इनको पता होती है और इन लोग क्यों सितारा का साथ देते सितारा इनको क्यों इतना चाटती है सितारा इनके पीछे क्यों पड़ी रहती है सितारा को इनकी कोई बात बुरी क्यों नहीं लगती है तो वो सब बातें आज जाके सच साबित हो गई आप लोगों ने देखा होगा सच साबित हो गई ना आ, मैंने ये भी बताया था कि दिलबर भी की बहुत सारी चीजें लीक करता है नजमा लिख करती है लेकिन नजमा ने क्या कहा था प्रूफ लेकर आओ प्रूफ लाओ कि मैंने कोई चीज लीक है प्रूफ लेकर आओ कि मैं सितारा की ब्लैकमेल प्रूफ लेकर आओ कि मैं सितारा को ब्लैकमेल करती हूँ तो आज प्रूफ आ गया आज प्रूफ प्रूफ आ आ गया गया नजमा नजमा है है अब क्या क्योंकि जो रुबीना की और की और बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ना रुबीना अगर गाली दे रही है उसके अंदर सितारा को या किसी को भी तो रुबीना खुद की वॉइस तो लीक नहीं करेंगी है ना खुद की वॉइस रुबीना क्यों लीक करेंगी जब रुबीना खुद गाली दे रही है तो जाहिर सी बात है वॉइस किसने लीक किया है नजमा ने जब घोछू की और नजमा की बात हुई थी तब भी यही हुआ था और बातें ली कौन किया था नजमा ने और भी बहुत सारी बातें और ये जो दिलवर ने कहा है ना ये हर एक बात अपने भाई के लिए भाई के लिए सपोर्ट में करती है और अपने भाई को हर एक बात बताती है हर एक मतलब प्रूफ अपने भाई को देती है तो ये बात तो मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ क्योंकि दिल कितना बड़ा वो है आपको पता ही है ना दल्ला हाँ तो ये जाहिर सी बात है हर एक चीज़ के अंदर सलमा और अजगर को ना घसीटे तब तक तो कहते तो इसका खाना नहीं हजम होता है जबकि जो भी जितने भी ब्लॉगर है ना जैसे कि सलमा हो गई असगर हो गया या सलमान हो गया या कोई अदर परसेंट हो गया इन सब को पीछे हटाने के लिए इन सब को इन लोगों को लगता है कि वाई पे ब्लॉगिंग की रेस चालू है और सबसे फर्स्ट पे चल रही है सितारा उसके बाद में मुझे चलना है मुझे चलना है मुझे चलना है यहाँ तक के इन लोग सितारा को भी पीछे हटाना चाहते हैं फर्स्ट पे इनको खुद आना है इसके लिए लोग रिश्ते नहीं देखते हैं और अपने तालुकात नहीं देखते है लोगों को सिर्फ यही माइंड में है कि हमें फर्स्ट पे चलना है चाहे फिर वो भाई हो बहन हो या कोई भी रिश्ता हो हमें सबको कुचल के आगे चले जाना है तो ये बात तो एकदम गलत है कि ये अपने भाई का साथ दे रही है या उसे कुछ बातें बता रही है या उसे सपोर्ट कर रही है बिल्कुल भी नहीं अपने हर एक रिश्ते को नजमा बराबर से यूज़ करती है और रही बात असगर को वो बातें बताती है बिल्कुल भी नहीं बताती और ना ही तो वो असगर के साथ में है असगर की बहुत बड़ी दुश्मन बनी हुई है वो और उसका एग्जाम्पल और उसके प्रूफ भी अबाइटी पे ही पड़े है मैंने रिएक्शन भी दिया है अपने भाइयों को फ्रंट पे आके तो गाली देती है वाइटी पे आके लेकिन बैक कैमरा पे भी ऑफ कैमरा भी वो अपने भाइयों के लिए बहुत ज्यादा गेम खेलती है इसने अपना हिस्सा ले चुकी है फिर भी ये हिस्सा हिस्सा करती रहती है और मतलब जो अपने भाइयों का भी हक हाँ है ना वो भी ये हथियाना चाहती है इसके लिए ये इतना अम्मी अबू अम्मी अबू जो कर रही है ना इसीलिए कर रही है जब ये अपने भाइयों का भी हक खा लेंगी ना फिर अम्मी अबू को भी ये ये दे देंगी लात कि ब्लैकमेलर है या नहीं है वो बात भी साबित हो चुकी है जिस तरह से नजमा को गिफ्ट दिए गए है थैला भर भर के तो उसे साफ साबित होता है कि नजमा ब्लैकमेल करती है इसीलिए उसके आगे इतना झुका जाता है उसके पास में सारा कुछ है और उसको सारा कुछ पता भी है क्योंकि एजाज से मिलने जाते सितारा जाती है तो नजमा को पता होता है नजमा साथ में भी जाती है और एजाज के घर पर जब इनकी अम्मी हाथ पैर जोड़ने के लिए गई थी एजाज के कदमों में गिरने के लिए गई थी तब नजमा भी साथ में गई थी और तो और जब एजाज के ऊपर बातें होती है और कंट्रोवर्सी बनती है तो उसके पिक्चर भी कौन लीक करता है एजाज एजाज से मतलब समझ लो कि जैसे दो कपल होते हैं उनके बीच में नोक जो चलती है कुछ होता है तो एक बीच में जो दोस्त होता है ना जिसके पास में हर एक चीज होती है हर एक बातें होती है जो आपस में मिलाते रहता है बातें पहुंचाता है तो वो नजमा और दिलबर है जी हाँ सिर्फ दिलबर ने अपना नाम लेना भूल गया भूल नहीं गया जान के अपना नाम नहीं लिया बाकी दिलबर और नजमा सेम कैटेगरी के है और सेम काम करते है और सेम ब्लैक है आप लोग देखो ना कि कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन सितारा कभी भी ये दोनों का नाम नहीं लेती और जब माँ को सितारा के सितारा और दिलबर की माँ अगर आमने सामने हो तो ये माँ को चुनता है ना कि सितारा को चुनता है किस लिए गालियाँ देने के लिए किस लिए देने के लिए किस लिए गंदा करने के लिए और आज आके बैठा है और नजमा को सिर्फ गलत कह के अपनी माँ की सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि हम लोग के अलावा अगर कोई मेरी माँ का नाम लेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं मतलब सितारा की सपोर्ट करने के लिए तू अपनी माँ को गंदा करेगा और कोई अगर तेरी माँ का नाम लेगा तो तू उसे मुँह तोड़ जवाब देगा तो ये बता कि सितारा को मुँह तोड़ जवाब क्यों नहीं देता उसने इतना घटिया काम की दरवाजे पे तो दुश्मन भी आता है तो हम कभी उसे ऐसे लौटाते नहीं है कभी उसको ऐसे धक्का दे के निकालते नहीं हैं घर से उसकी बेजती नहीं करते दरवाजे पे आया हर एक इंसान अल्लाह की भेजी हुई रहमत होती है जो बड़ा दिन डायलॉग मार रही थी कि मेरे घर में अल्लाह की रहमत है मेहमान आए हुए है तो आज क्या हो गया था सितारा वो जब नैना आई थी तब वो रहमत और वो सब हदीसे भूल गई थी उसको घर से निकालने के लिए शर्म नहीं आई और बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ तुझे कि इतने साल त लग के वो जो तुम्हारी बहन की लड़की थी वो तुम्हारे घर में नौकरानी बन के रही है बिना पगार की नौकरानी यही नैना थी जो आज तक के इसकी सारी गंदी बातें छुपा के रखी है और उसको इतने घर से लौटा दिया आप लोग सोचो ये नैना की नहीं हुई जो इसके सबसे ज़्यादा करीबी थी इसके शुरू के ब्लॉग देखोगे ना वहाँ पे ना दिलबर है ना बाबर है ना तो नजमा है ना फारूक है कोई भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ नैना दिखती थी नैना और इसका भाई नदीम दिखते भी थे और लोग सुनाई भी देते थे कि हाँ, ये मेरा भाई नदीम है ये नैना है ये मेरी बहन की लड़की नैना है ये नैना है ऐसे करके बहुत बार बताइए आज वही नैना आज वही नैना इसे जहर लग रही है मतलब सारी पुरानी जो एहसान थे ना नैना के वो सारे कुछ ये भूल गई और आज इसने नैना को तो दरवाजे में से भगा दिया और नाम बताया आप लोगों को जब भी बदनाम करना होता है धुलाई करना होता है तो घोंच के ऊपर डाल देती है और खुद अच्छी बन जाती है है ना और रही बात चीजें लीक करने की तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन लोगों ने लीक की है सितारा की और उसके अंदर दिलवर भी बराबर का शामिल था भागीदार था ये बात दूसरी है कि जब ये देखता है ना कि बदनामी का और पोल खोलने की बातें जब उड़ने वाली है तो ये जल्दी जल्दी रिएक्शन देने बैठ जाता है ताकि मेरे ऊपर बात ना हो मैं किसी और के ऊपर सारा ब्लेम डाल दूं लेकिन दिल भर तेरा भी सारा कुछ पता है सारा कुछ पता है कि तू भी सेम कैटेगरी का है नजमा और तू है ना तुम लोग दोनों को तो शादी कर लेना चाहिए तुम लोग दोनों है ना मियाँ बीवी ऐसा लगता है जैसे सितारा और साजिद जो गंदगी का पिटारा है ना वैसे तू और नजमा है तो तू आयशा को सॉरी आयशा को तो छोड़ ही चुका है फातिमा को छोड़ दे वो फारूक को छोड़ देंगी और तुम लोग दोनों ना निकाह कर लो क्योंकि तुम लोग दोनों सेम कैटेगरी के गिरे हुए लोग हो तो तुम लोग की जोड़ी अच्छी जमेंगी और ये इतने ये वाली बात जो मेरे मेरी लाइफ में आके सलमान ने और आयशा ने बताई थी कि नजमा ने उकसाया था के अली को लेके मतलब झगड़ा फसाद करो और अली को अपने पास ले लो कंट्रोवर्सी बनाओ तो वो बात को लेके आज ये बड़ा ही मतलब ये हो रहा था कि कोई लाइव में कहा था तो हाँ मेरी लाइव में लोगों ने कहा था लेकिन ये भी तो देखो ना वो टाइम पे तो ये भी बड़े चस्के ले रहा था इसके उससे इंटरव्यू दिलवा रहा था वही टाइम पे ये बता देता वो टाइम पे इतने क्यों नहीं बोला जब आयशा और सलमान आके ये बात बोल के गए थे मेरी लाइफ में उसके बाद में इतने क्यों नहीं बोला आज ये क्यों नजमा के खिलाफ बोल रहा है क्योंकि इसको पता है ना नजमा की पोल खुल रही है तो मेरी भी खुल जाएंगी इसके लिए ये आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और नजमा तुझे तो ना यही चाहिए बराबर कर रहा है तेरे साथ में क्योंकि तू ही इसी लायक की समझी तू अभी फिर आठ दस दिन नहीं होगा फिर इसके घर पे चले जाएंगी खाना खाने के लिए वो खाना नहीं तू है ना जिल्लत खाके आती है बदनामी खा के आती है बेगैरत और गिरी हुई औरत है तू अच्छा इसने दिल्वर ने ना मतलब अच्छा बनने की बहुत कोशिश किया और बहुत सपोर्ट में बात किया सितारा के और नजमा पे और इसके उसके ऊपर रिएक्शन देने की बहुत अच्छे से कोशिश किया लेकिन ये लगता है भूल गया या तो स्मार्ट है या ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है इसने नजमा के ऊपर ब्लेम तो डाल दिया नजमा के ऊपर सारी कुछ तो डाल दी लेकिन ये ये भूल गया कि इसने भी सितारा को नंगा किया है कैसे इतने ये वीडियो में ना प्रूफ किया है कि जो पिक्चरें लीक हुई है वॉइसें लीक हुई है वीडियोज लीक हुई है सितारा की वो सारी असली थी जो उसके सपोर्टर थे जो चीख चीख के कहते थे एडिट है एडिट है एडिट है तो आज उनके मुंह पे पड़ गई चप्पल उनके मुंह पे चप्पल पड़ गई क्योंकि दिलबर ने ये नहीं कहा कि वो सब फेक था नजमा ने फेक बना के लीक करवाया था ये सब कुछ नहीं कहा इसने ये कहा कि नजमा ने लीक करवाया है इसकी पर्सनल चीज़ें नजमा ने पिक्चरें लीक करवाई है नजमा ने गंदा किया है सितारा को इसका मतलब ये पूरी तरह से सितारा को उसने तो गंदा की कि इसने पूरी तरह से गंदा किया ये बात को कंफर्म करके कि वो सब असली था ठीक है और इसने ये नहीं बताया कि जब हम कश्मीर गए थे तो वहाँ से मैंने फ़ोन करके एजाज़ को कहा था कि पिक्चर वीडियोस वगैरह कुछ भी डिलीट नहीं करना आगे हमें काम आने वाली है और ये जो कैमरे पे आके नजमा और ये लड़ते हैं ना पीठ पीछे इन लोग मिल के करते हैं ये सब ठीक है मिल के लोग लिख करते हैं सोच समझ के लिख करते हैं कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना है किसके पास भेजना है ये सारा कुछ लोग प्लानिंग के मुताबिक करते हैं सारा प्लान करके फिर ये लोग लीक करवाते हैं और अभी देखो कितना अच्छा बन रहा है ना ये बहुत से लोग ये भी सोच रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि ये दिल भर गाँव क्यों गया है फिर उसके पीछे वो उसके पीछे वो ऐसा करते करते पूरा जितनी भी कंजर बिरादरी है इनकी सारी की सारी गाँव क्यों पहुंची है तो सितारा ने इसको भेजा था ते, न, न, क्या नाम है हाँ एजाज एजाज से बात करने के लिए और उसको बोलने के लिए उसके पैरों में गिरने के लिए के वो लाइवों में ना आए वो असलियत ना बताए और वो चुप हो जाए और उसे डरा के धमकी दे के लड़के कुछ भी करके उसको धमकाने उसको चुप कराने के लिए भेजा गया था लेकिन आप लोगों को मैं पहले से भी कहते आ रही हूँ कि ये कोई सितारा का हमदर्द और दोस्त वगैरह नहीं है ये भले ही गया वो काम से था लेकिन इतने पीठ पीछे फिर से किया वही काम होगा जो ये नजमा के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं ठीक है थीके? हाँ ये है ना आ, सितारा ने भेजा था एजाज के धमकियां देने के लिए इसको चुप करवाने के लिए दिलवर को भेजा था लेकिन दिलवर ने आप लोगों को मैं जैसे बार-बार कहूं कि दिलवर जी तरह से इसको पिक्चर बोला था ना डिलीट मत करना काम आएगी उसी तरह से जाकर काम किया होगा और सितारा को ये जता दिया होगा कि मैंने तो चुप करा दिया मैंने तो बात किया ये हुआ वो हुआ या जो भी अभी एजाज तो चुप हो नहीं रहे ना तो इसने कुछ और कहानी बताई होगी तो फिर अब अम्मी को लेके जाएंगी ना ये अम्मी को लेके जाएंगी गांव और एजाज को चुप करवाने की कोशिश करेंगी और ये जो सऊदी भागने की कोशिश कर रही है ना सऊदी नहीं सॉरी दुबई दुबई भागने के लिए ये जो पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग और इंतजाम की है ना तो एजाज को चुप करवा के और एजाज को धमकियां लगवा के ये दुबई भागना चाहती है ताकि बेटी है ना उसको ले नहीं पाए तो इसको दुबई नहीं भागना पड़ेगा अगर एजाज चुप हो जाता है तो लेकिन एजाज के साथ में इन लोगों ने कितना कुछ किया है एजाज की पूरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश की एजाज को उसकी वाइफ से इतने साल तलक के सितारा ने दूर रखा और इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने अजगर असगर भाई के इसमें ही सुन लिया होगा देख लिया होगा के असगर भाई को इस तरह से इसने ब्लैकमेल की थी अपने प्यार में फंसाई थी के असगर भाई अपनी ही बीवी के खिलाफ बोलने के लिए रेडी थे रेडी क्या थे उन्होंने बोला भी था वीडियो बना डाली थी अपनी वाइफ के लिए पूरी तो वो कैसे बनाई थी आप लोग खुद सोचो ना कैसे बनाई थी सितारा ने बनवाई थी और उसने बनाई थी और बीच में दलाल थी मरियल फसादन उसके थ्रू उसको बीच में डालते हुए ये ये तीनों ने मिल के, ये दोनों ने दोनों सितारा और मरियल फसादन ने मिल के ए, ये असगर भाई को वो वीडियो बनाने लगाई थी और अब उसी तरह से लोग मिल के के पीछे पड़े और एजात है कि मानने को तैयार नहीं है तो एजाज को लोग अब डराने धमकाने के लिए उनके पैरों में गिरने के लिए गांव जा रहे हैं बाकी अगर एजाज नहीं मानता है तो फिर ये दुबई भाग जाएंगी अपनी बेटी अपनी नहीं एजाज की बेटी को लेके और रही बात जैसा कि मैं बता रही थी उसकी बीवी की तो उसकी बीवी अभी अभी, अभी एजाज का आप लोग देखोगे तो तेरह साल पुरानी इन लोगों की गंदे रिश्ते थे सितारा और एजाज के रिश्ते को तेरह साल हो गए जो ये कहती है ना के मेरी शादी तेरह साल हुआ है अभी अभी हुई है मैं बहुत छोटी थी आप लोग ये देखो तेरह साल तो एजाज के साथ मेरे रिश्ते को हो गया है दो बच्चे इसके ऑलरेडी थे उसके बाद में इसने तीसरा पैदा की थी एजाज का तो आप लोग ये देखो तेरह साल इसके साथ हो गया है तो गोंचू के साथ कितने साल होंगे तो ये झूठी मक्कार औरत है ना ये सारा कुछ झूठ बोलती है सिर्फ और सिर्फ झूठ और इसने इतना गेम खेली थी कि खुद तो आ, अलग अलग मर्दों के साथ में मस्त रंग मना रही थी लेकिन एजाज को कसम दे के डरा के धमका के अपनी बीवी से दूर रहने के लिए उसको आए दिन कुछ ना कुछ नाटक करके दिखाती थी जैसे नस काट लेना गटर में कूद के मर जाऊंगी नाले में कूद के मर जाऊंगी जैसे ही हमेशा डराती है ना अपनी माँ को अपनी बहन को और घोचू को तो ये एजाज को भी ऐसे ही डराती थी और इतने साल तल के उसकी बीवी को इतने तकलीफ दी और उसकी बीवी के लिए खड्डा खोद के रखी थी जो कि मैं बता मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जो इंसान गलत रहता है वो इंसान ज्यादा दिन तक के ड्रामा नहीं चला सकता है ना तो ये गलत थी इसके लिए इसका ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चला ना ही तो सलमा के ऊपर ना एजाज की बीवी के ऊपर वो दोनों ने सबर किया और उसका फल अल्लाह ने दिया के वो मियाँ बीवी के रिश्ते फिर से ठीक हो गए जिस तरह से इसने गेम खेल के, के उनके रिश्ते खराब की थी वो अल्लाह ने ठीक कर दिए इसकी असलियत दोनों मर्दों के सामने लाकर और यही दो नहीं वो जो इसके मामू का दामाद था उसके सामने भी असलियत आई थी और फिर वो भी ठीक हो गया था उसको भी अपनी बीवी से अलग कर दी थी इसने पता नहीं इसको कितने मर्दों की ज़रूरत है और कितनी ज़्यादा छिछोरी औरत है के एक मर्द से इसका पेट ही नहीं भरता सारों को अपनी बीवियों से अलग करने पे तुली रहती है तो आप लोगों ने जो जो बातें हमने कही थी आज वो सारी बातें प्रूव हो गई है कि लोग कितने बड़े झूठे मका रहे सितारा और दिलवर और नजमा और नजमा तो इतनी गिरी हुई है अभी इतने इतना गंदा किया है ना नजमा फिर चले जाएंगी इसके घर पे खाने के तौर पे टट्टी खाने के लिए और ये जो इसको बेस्ती कर रहा है ना ये डिजर्व करती है और बेस्ती होना चाहिए इसकी लंबी नाक वाली झाड़ू वाली चुड़ाई तेरी ये, तेरी और बेजती होना चाहिए तो ये वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक करना शेयर करना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज